हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार कौन बनेगा इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिजली संबंधित कार्य करते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, वो हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप एक इलेक्ट्रिशियन है या कहीं पर इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे हैं या इससे रिलेटेड कोई पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है, क्योंकि जब हम बिजली संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उस समय हमें सावधानी बरतने के साथ साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके 1% लापरवाही से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए कोई भी बिजली संबंधित कार्य करते समय बिजली के सभी नियमों का पालन करना चाहिए, सही जगह पर सही टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए और छोटी से छोटी दिक्कत को अनदेखा नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपने वह कहावत जरूर सुनी होगी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मतलब ये कि अगर आप कहीं पर सावधानी अगर नहीं बरतते हैं तो दुर्घटना आपके साथ जरूर घट जाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों बिजली का कोई भी कार्य करने से पहले अपने हाथों में दस्ताने को अवश्य पहन लेना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी वायर को देखकर यह नहीं बता सकते हैं कि इसमें से बिजली की सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। इसलिए कार्य करने से पहले अपने हाथों में दस्ताने को जरूर पहन लें। पॉइंट नंबर 2, किसी भी तेज धार वाले औजार का इस्तेमाल करते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए और कभी कभी ऐसे औजारों को अपने जेब में नहीं रखना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिशियन नाइफ हो गया, इलेक्ट्रिशियन पोकर हो गया, छेनी हो गया, ब्लेड हो गया इत्यादि। पॉइंट नंबर 3, किसी भी तार को अपने मुंह से नहीं छीलना चाहिए, इसके लिए हमेशा प्लायर या वायर स्ट्रिपर का प्रयोग करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, किसी भी इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड में स्विच का कनेक्शन करते समय हमेशा स्विच पर फेज तार को ही लगाना चाहिए, ताकि आप जब स्विच को बंद करें तो उपकरण की सप्लाई बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, किसी भी इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड में सप्लाई तब तक न दे जब तक कि आप यह सुनिश्चित न हो जाए कि इसमें कनेक्शन जो किया गया है वो सभी सही प्रकार से और सभी कनेक्शन को मजबूती से जोड़ना चाहिए, उसके स्क्रू को मजबूती से कसना चाहिए ताकि उसमें स्पार्किंग का प्रॉब्लम ना आए और हमारा उपकरण जो है स्पार्क की वजह से जल न पाए। चलिए पॉइंट नंबर 6, किसी भी वर्कशॉप में कार्य करते समय अपने शरीर पर न ज्यादा ढीला ढाला कपड़ा पहनना चाहिए और न ही ज्यादा टाइट कपड़ा पहनना चाहिए, बिल्कुल फिटिंग कपड़े पहन करके वर्कशॉप में काम करना चाहिए और इसके साथ साथ अपने हाथों में कोई अंगूठी या कड़ा इत्यादि भी नहीं पहनना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, बिजली संबंधित कोई भी कार्य करने से पहले आपका पूरा का पूरा ध्यान उस काम पर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप जो काम कर रहे हैं आपका ध्यान इस तरफ ना हो करके किसी और बातों पर आपका ध्यान हो, तो इससे आपको काफी नुकसान हो सकता है। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 8, पिलास का इस्तेमाल किसी भी चीज को ठोकने के लिए नहीं करना चाहिए और पिलास खरीदते समय या कोई भी इलेक्ट्रिकल टूल्स खरीदते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि इसके ऊपर लगाया गया इंसुलेशन वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन को हमेशा अच्छी क्वालिटी वाले इंसुलेटेड टूल्स का ही यूज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, 2 पिन या 3 पिन स्विच को सॉकेट से अलग करते समय कभी भी उसके तार को हाथों से नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तार जो होता है वो थोड़े दिन बाद ढीला पड़ जाता है और वो स्विच से बाहर निकल जाता है, इसके कारण कभी कभी स्पार्किंग की भी प्रॉब्लम आने लगती है। पॉइंट नंबर 10, किसी भी पोल या टावर पर कार्य करते समय हमेशा सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने सिर के ऊपर हेलमेट का भी इस्तेमाल करना चाहिए। पॉइंट नंबर 11, बिजली का कार्य करते समय औजारों का विशेष रूप से सहयोग होता है, इसलिए हमेशा औजारों को बिल्कुल साफ सुथरा और संभाल करके रखना चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रिशियन का औजार ही उसके हाथ पांव होते हैं और जब उसके हाथ पांव सुरक्षित रहेंगे तभी वह इलेक्ट्रिशियन सुरक्षित रह सकता है। पॉइंट नंबर 12, बिजली का कार्य करते समय अगर आप किसी सीढ़ी पर चढ़ करके बिजली का कार्य कर रहे हैं तो अपने साथ एक सहायक को जरूर रखें, ताकि वह आपके सीढ़ी को पकड़ सके और आपको आवश्यक सामान पकड़ा सके, कहीं पर भी ऊंचाई पर चढ़ करके अकेले काम नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 13, बिजली का कार्य करने से पहले किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि नशे के हालत में आपसे कोई गलत कनेक्शन हो जाए और उससे आपको और आपके कस्टमर को भारी नुकसान हो जाए। पॉइंट नंबर 14, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड में सभी सॉकेट पर अर्थिंग का पॉइंट जरूर जोड़ना चाहिए, ताकि उस सॉकेट से यदि हम कोई उपकरण का यूज कर रहे हैं तो बाय चांस यदि कोई उपकरण में बड़ी करंट आ जाए तो वह करंट अर्थिंग के माध्यम से पृथ्वी में चला जाए और उपयोग करने वाले उपभोक्ता को कोई नुकसान न हो। पॉइंट नंबर 15, बिजली का कोई भी कार्य करते समय आपके कपड़े और आपके जो हाथ है वो गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पानी होता है वो बिजली का सुचालक होता है, यदि इस स्थिति में भी आपका हाथ गीला होगा या कपड़ा गीला होगा तो हो सकता है कि आपको बिजली का झटका लग जाए। पॉइंट नंबर 16, अगर किसी कमरे में बैटरी चार्ज हो रही है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस कमरे की जो
खिड़कियां है, जो उसका दरवाजा है वो पूर्ण रूप से खुला होना चाहिए और कमरा जो है वो हवादार होना चाहिए। किसी भी बंद कमरे में बैटरी को कभी चार्ज नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 17, किसी भी बड़े उपकरण को लगाते समय उसके अर्थिंग के तार को जरूर चेक करें और सभी उपकरण के अर्थिंग सही प्रकार से करें। पॉइंट नंबर 18, बिजली का काम करने वाली वर्कशॉप में साफ सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए और कहीं पर भी यहाँ वहाँ तैलीय पदार्थ को नहीं फेंकना चाहिए, हो सकता है कि आप उस पर फिसल जाए और आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाए। पॉइंट नंबर 19, किसी भी उपकरण को ठीक करने से पहले उसकी सप्लाई को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 20, किसी भी तार को आपस में जोड़ने के बाद उन पर अच्छे से इंसुलेशन टेप लगा देना चाहिए और कनेक्शन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत रखना चाहिए ताकि बाद में वह कनेक्शन ढीला होकर के लीकेज का प्रॉब्लम और स्पार्किंग की प्रॉब्लम न उत्पन्न करे। पॉइंट नंबर 21, किसी भी प्रकार के स्विच सॉकेट या MCB का इस्तेमाल करने से पहले अपने घर का लोड अवश्य पता कर लेना चाहिए और अपने लोड के अनुसार ही अपने घर में स्विच सॉकेट इत्यादि को लगाना चाहिए। पॉइंट नंबर 22, कहीं पर भी बिजली संबंधित कार्य करते समय हमेशा सही जगह पर सही टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए और यदि आप कहीं पर घर या किसी बिल्डिंग की हाउस वायरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर उसकी वायरिंग हमेशा BIS नियम के तहत ही करना चाहिए। तो दोस्तों, बिजली संबंधित कार्य करते समय चाहे आप घर पर काम करते हो या फिर किसी कंपनी में काम करते हो या फिर कहीं वर्कशॉप में काम करते हो, हमने जो आपको सावधानी बरतने की जो नियम बताए हैं, जो टिप्स बताए हैं, उसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप सुरक्षित रहें और आपके साथ कोई दुर्घटना न घटे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो का जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी ये नियम का पता चल जाए और आपका दोस्त भी सुरक्षित हो जाए। तो चलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं किसी प्रकार का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।